कन्नौज जन जागरण अभियान नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत निकाली गई पदयात्रा से पूर्व हुई सभा में पहुंची मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण ने सीएए के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उनके साथ पूर्व खनन मंत्री अर्चना पांडे व सांसद सुब्रत पाठक ने भी सभा को संबोधित किया। पाकिस्तान के भीतर हिंदू या पाकिस्तान के भीतर वो 27% रहने वाले लोग वह 3% से भी कम रह गए। ये कहां चले गए? ये कहां चले गए? इनको जमीन खा गई क्या? आसमान निकल गया? आखिर ये लोग कहां गए? कहां गए? ये जवाब चाहिए मित्रों। इनके साथ में इनको सधार्मिक प्रताड़ित किया गया। एक और हम हिंदुस्तान के मुसलमान को अपना भाई बनाकर रखे थे, हमने हिंदुस्तान के मुसलमान को अपने गले से लगाया। एक भी व्यक्ति यदि गांव में होता था तो मित्रों पूरा गांव उसकी रक्षा करता था। एक विधि मस्जिद गांव में बनती थी तो हिंदुओं के पैसे से मस्जिद बनाई जाती थी। हम यहाँ के मुसलमान के बेटे को अपना बेटा और मुसलमान की बेटी को अपनी बेटी समझते थे। लेकिन वहां के ऊपर क्या हुआ? वहां के ऊपर यहां तो हम उनके मस्जिद बनवा रहे थे, वो वहां पर मेरे बने हुए मंदिर गिरा रहे थे। हम यहां के ऊपर हम उनकी बेटी को अपनी बहन मान रहे थे और वो हमारी बेटी को सेक्स की मशीन मान रहे थे। मित्रों 14-14, 15-15 साल की लड़कियों को जबरदस्ती घरों से उठा लिया गया, उठाने के बाद जबरदस्ती उनका निकाह कर दिया गया। और आपका नाम बहुत चल रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छी बहुत जी। क्या संदेश देने आई आज मंच के माध्यम से? ये अमेंडमेंट जो हमारे यहाँ संशोधन बिल हुआ है इसका कोई गलत मतलब नहीं लिया, जिसका मतलब ये लोग दे रहे हैं हमारे दूसरे लोग जो यहाँ के हैं, तो उसी के विषय में ये चर्चा होनी थी आज यहाँ पर। ये है क्या मंत्री जी, विपक्ष का एक आरोप है कि कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी लगातार नीचे चली जा रही है और भाजपा जो केंद्र सरकार है इसको दबाने के लिए इस तरह के ये सीए इस तरह के बिल लेके आ रही है, क्या कहना है इसको? इस तरह की तो कोई बात ही नहीं है अभी तो। विपक्ष का आरोप है ये, आरोप तो आरोप ही होते हैं। मेन मुद्दे से सरकार भटका।